वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हुडनी के क्लास में। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि आपको हुडनी का इंटरफेस कैसे समझना है, तो चलिए इस क्लास में थोड़ा सा आगे बात करते हैं। और इस क्लास में हम लोग बात करेंगे कि बेसिक ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे उसका यूज करना है। ठीक है, तो चलो बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे थोड़ा कि कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना वगैरह बहुत आसान होता है। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये ग्रिड है, और अगर इसको यहाँ पे सपोज अगर मान लो कि आपका ग्रिड इधर उधर ऐसे हो गया है, अगर आप यहाँ पे सिंपल जी प्रेस करेंगे तो ये एकदम ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके एकदम बैठ जाएगा, मतलब एकदम सेट हो जाएगा। अगर इधर उधर हो गया है, जैसे आपने गलती से सपोज ऐसे ऐसे कहीं घुमा दिया है, कुछ ऐसा हो गया, तो सिंपल आप अपने कीबोर्ड पे आइए और जी प्रेस कीजिए। जी प्रेस करते ही ये एकदम सेट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, लाइक कोई भी ऑब्जेक्ट आप कैसे क्रिएट कर सकते हो। सो यहाँ पे देखो, क्रिएट के अंदर में जब जाओगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, जैसे बॉक्स, स्फीयर, ट्यूब, टोरस, ग्रिड, लाइन, सर्कल, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब आपको क्या करना है कि अगर आपको यहाँ से लाइक एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो देखो यहाँ पे चीजें हैं, इधर भी है, आप चाहो तो इधर से भी क्रिएट कर सकते हो। ये नेटवर्क एरिया में जाकर राइट क्लिक करोगे तो आपको यहाँ से ऑप्शन मिल जाता है क्रिएट करने का, लेकिन मैं यहाँ से सिंपल क्रिएट करके आपको पहले दिखाता हूँ कि आपको कैसे यूज करना है। तो ये बॉक्स में मैंने क्लिक किया, जैसे ही बॉक्स पे क्लिक किया ना, ये देखो जैसे ही तुमने यहाँ पे बॉक्स पे क्लिक किया, ये ऑटोमेटिकली एक बॉक्स विथ रेड लाइन ये आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है, जो कि एकदम ग्रिड के बीचों बीच है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको एक बॉक्स दिखेगा, ठीक है। अगर आपने एंटर कर दिया, जैसे ही आप अपने कीबोर्ड पे एंटर मारोगे, ठीक है, जैसे ही एंटर हिट करोगे अपने कीबोर्ड पे, तो एंटर हिट करने के मतलब यहाँ पे, या फिर आप आकर सिंपल ऐसे यहाँ पे अपने रखा हुआ एंटर हिट कर दो, जैसे ही एंटर हिट करोगे ये आपको एक ऐसे इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट बना के आपको दे देगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप इस पर क्लिक करो और आपको जहां मर्जी है वहां पे ले जाके ऐसे क्लिक कर दीजिए, जहां पे भी करना है वहां पे क्लिक कर दीजिए, ये आ जाएगा, ठीक है। सो ये आ गया है। अभी मैं इसको थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर सकता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो ये थोड़ा नीचे में है, तो हम इसको ऐसे पकड़ के ऊपर में करेंगे। ऊपर में कैसे करेंगे, तो ये देखिए ध्यान से समझिएगा यहाँ पे। सो यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे एक पूरा ऐसा गिज्मो मिलेगा, एक ही गिज्मो में सब काम हो जाता है। जैसे यहाँ पे अगर आप जाकर इसको ऊपर की ओर करोगे तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, इधर से आप इसको ऐसे कर सकते हो, यहां से आप इसको रोटेट भी कर सकते हो, ठीक है, यहां से आप रोटेट कर सकते हो। और अगर आप इस पे क्लिक करके अगर करते हो तो ये एकदम मतलब कि अनआइडेंटिफाई तरीके से ये आपका रोटेट होगा। और अगर आप यहाँ पे आके लाइक यहाँ पे आकर अगर आप देखिए ये वाला जो सेक्शन है ना, ये वाला सेक्शन, ये ऊपर में जाने के लिए था, यहाँ पे था। अगर आप यहाँ पे आते हो लाइक ऐसा कुछ इधर, तो देखिए ये कुछ इस तरीके से आपका ये चीज मूव करेगा, ठीक है। तो अभी अगर सपोज मान लो कि आपको यहाँ पे अभी आप हो, और यहाँ पे जब हो, और अभी देखो अगर आप मिडिल माउस बटन दबा के कर रहे हो ना, तो इट मीन्स कि यू आर सिलेक्टेड विद द ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट आपका मूव कर रहा है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, एंड देन ऐसे मैं इसको कर लेता हूँ ऐसे। अगर आपको इसको स्केल करना है तो स्केल करने के लिए भी आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको मिलेगा लाइक स्केल, और यहाँ पे आपको ये वाला मिल जाएगा, और इस तरीके से आप इसको स्केल भी कर सकते हो, ये देखो। सो जैसा आपको स्केलिंग वगैरह करना है वो सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ये सेम चीज जो आप स्केल यहां से कर रहे हो, आप ये पैरामीटर से भी कर सकते हो। यहाँ पे तीन चीजें मिलेंगी, रेंडर, मिशलेनियस एंड द ट्रांसफॉर्म। तो ट्रांसफॉर्म के अंदर में आपको यहां से भी स्केल करने का ऑप्शन मिलता है, लाइक आप यहां से भी स्केल इसको ऐसे कर सकते हैं। ये देखो मिडिल माउस बटन दबाना है, जस्ट यहाँ पे जाकर मिडिल माउस बटन दबाना है और ये वैल्यू चेंज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी ये चीज ऐसे आप इसको कर सकते हो, यहाँ पे भी आप ऐसे कर सकते हो, या फिर आप मैन्युअली यहां से करिए, और या फिर आप विद वैल्यू आप यहां से भी कर सकते हैं, ठीक है। सो ये देखो अभी मैं वहीं पे हूं, तो इसलिए अभी भी वो दिखा रहा है, तो मैं यहां से बाहर निकल जाता हूं। सो अभी इट विल नॉट वर्क, और अब हमारा यहां से व्यूपोर्ट जो है वो काम करना शुरू कर देगा। तो ये देखिए हमारे पास ये बॉक्स बन के अभी तैयार है। अब अगर जैसे ही आप यहाँ पे बॉक्स क्रिएट करोगे ना, आपको यहाँ पे ये चीज नेटवर्क एरिया में आपको एक बॉक्स के नाम से ये मिल जाएगा, ठीक है। ये बॉक्स के नाम से आपको यहाँ पे एक मिल जाएगा, यानी कि आपने एक बॉक्स नोड क्रिएट किया हुआ है, ठीक है।
अब ये बॉक्स अगर इस नेटवर्क में, नेटवर्क एरिया के अंदर इस नोड को अगर समझे तो यहाँ पे भी कुछ चीजें, जैसे ये देखो एक इनपुट है और इधर में एक आपको आउटपुट ऐसा मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ चीजें हैं, अगर आप यहाँ पे जाते हो तो दिस इज द ज्योमेट्री नोड, यानी कि इसको आप हाइड कर सकते हो इस तरीके से। एंड ये जो है, ये है कि आपका अगर ये जैसे ये यहाँ पे है और अगर आप इस पर क्लिक करते हैं एंड देन इसको ऐसे लाइक, तो ये क्या होगा कि अभी ये अगर आपने ऑफ कर दिया ना तो नाउ यू कैन नॉट सेलेक्ट दिस ऑब्जेक्ट। सो ये सिलेक्टेबल ऑब्जेक्ट है, ये ग्रीन वाला अगर आपने ऑफ कर दिया इट मींस यू कांट सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट। सो अगर आप इस पर क्लिक कर देते हो एंड देन यू कैन सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट। सो ये सिलेक्ट करने के लिए है। अगर आपको यहाँ पे मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट ऐसा बना रहे हो जो हमें डिस्टर्ब कर रहा है तो आप इसकी ये वाला को ऑफ कर दो। जैसे ऑफ करोगे अभी आप सिलेक्ट नहीं कर सकते इसको, आप जो भी करो मगर वो सिलेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे देखो ये सिलेक्ट नहीं हो रहा है। जैसे हम इसको टर्न ऑन कर देंगे ये सिलेक्शन शुरू हो जाएगा। एंड यहाँ पे आप देख रहे हो ये हाइड बटन है, तो अगर इसको आप कर दोगे तो ये हाइड हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। एंड यहाँ पे एक छोटा सा ऑप्शन दिख रहा होगा आई, दिस इज द इंफॉर्मेशन, लाइक इस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको इससे रिलेटेड यानी कि इस बॉक्स से रिलेटेड पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी कि ये कौन सा नोड है, क्या है, कितने ट्रांसफॉर्मेशन है, वॉल ट्रांसफॉर्म कौन से वैल्यू पे है, कितने कंटेंट्स कितना है, क्या क्या चीजें यूज हुई हैं, सारी चीजें आपको इस इंफॉर्मेशन में आपको मिल जाएगा। इसको आप यहां से रीनेम भी कर सकते हैं, लाइक यहां से बॉक्स वन ऑब्जेक्ट है और आप डायरेक्टली यहां से भी रीनेम कर सकते हैं। सो अगर आपको रीनेम करना है तो आप यहां से जाइए और कर दीजिए सब बॉक्स अंडरस्कोर लाइक माई, तो ये आपका नेम चेंज हो गया, यहाँ पे भी नेम चेंज हो गया। सो यू कैन चेंज नेम फ्रॉम हियर आल्सो एंड एज वेल एज फ्रॉम हियर आल्सो। यहाँ पे आपको पिवोट से रिलेटेड स्केल्स ट्रांसफॉर्मेशन जो भी है सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे है, तो यहीं से आप कर सकते हैं। अभी देखो मैं इजिली इसको सिलेक्ट कर पा रहा हूँ। अभी यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना कि थोड़ा सा यहाँ पे आपको कॉम्प्लिकेशन स्टार्टिंग में लगेगा, क्योंकि क्या है कि अभी अगर आपने इसको ऐसे सिलेक्ट किया हुआ तो ये पूरी की पूरी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो रही है। आप यहाँ पे अगर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बॉक्स सिलेक्ट, यहाँ पे अगर जाओगे तो लैसो सिलेक्ट, यहाँ पे अगर जाओगे तो ब्रश सिलेक्ट, तो ये अलग अलग सिलेक्शन के तरीके हैं। अभी यहाँ पे आप आओ ठीक इसके इस बॉक्स से रिलेटेड अगर यहाँ पे आ जाओ तो यहाँ पे आपको इसके अंदर मिलता है लाइक ज्योमेट्री, कैमरा, सब कुछ सिलेक्टेड है। अगर आप इस पे क्लिक कर देते हो लाइक ये वाले यहाँ पे आकर क्लिक कर देते हो, नाउ यू आर एबल टू एडिट दिस। एंड याद रखना जैसे ही आप इसको यहाँ पे ध्यान दो, एक चीज पहले ध्यान दो, अभी आप यहाँ पे नेटवर्क एरिया पे आप ध्यान दीजिए तो आपको क्या मिल रहा है, बॉक्स मिल रहा है, देखो एकदम क्लियर बॉक्स है। लेकिन जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करने के बाद अगर यहाँ पे अगर कोई चीजें सिलेक्ट करते हैं लाइक यहाँ या यहाँ, तो आप ध्यान देना इस नेटवर्क एरिया में कुछ चेंजेस आएंगे। ये देखो ये चेंज हो गया, मतलब कि अभी आप देख सकते हो कि ये जो बॉक्स माई लिखा हुआ था ये अभी एडिटेबल मोड में चला गया है। सी दिस इज इन अ एडिटेबल मोड, एवरीथिंग हैज बीन चेंज्ड, सब कुछ चेंज हो गया। लाइक नाउ यू कैन सेलेक्ट द पॉइंट्स लाइक वर्टेक्स, यू कैन सेलेक्ट द वर्टेक्स लाइक मोड टू और थ्री और ऑल, यू कैन सेलेक्ट द वर्टेक्स फ्रॉम हियर एंड इवन यू कैन क्लिक ऑन दिस एंड यू कैन ट्रांसफॉर्म इट ऑल्सो। सो अगर आप इसको ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं यू कैन डू दैट, बट अभी मैं उस पर नहीं चाह रहा हूँ। जैसे ही मैं यहाँ से यहाँ पे आया तो आप देखिए ये वापस उसमें आ गया। मैं एक बार फिर से वापस जाता हूँ इसके अंदर और ये देखिए आपको यहाँ पे अभी एडिट मोड दिखा रहे हैं। अब यहां से अगर वापस बैक करना है तो आप यहाँ पे एक एरो दिया हुआ है इस पर भी क्लिक करेंगे तो ये बैक होकर आप यहाँ पे आ जाएंगे, या फिर अगर आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो भी आप एडिटेबल मोड में चले जाएंगे, और डायरेक्ट आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर देंगे तो भी आप यहाँ पे आ जाएंगे। तो जो भी प्रोसेस आपको अच्छा लगे, जो भी आप जिस पे हैबिचुएशन में आ जाए, आप उस पर काम कर सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एक ऊपर में एक छोटा सा आइकन मिलेगा, तो अगर आप इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको सेडिंग का ऑप्शन मिलेगा। लाइक आपको वायर फ्रेम में रखनी है तो दिस इज द वायर फ्रेम बाउंडिंग बॉक्स। और ये देखो अभी आप एक मजेदार चीज है कि ये जो वायर फ्रेम दिखा रहा है आपका पुराना वाला वायर फ्रेम दिखा रहा है जब आपने बॉक्स को क्रिएट किया था, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कर दू सेडेड बाउंडिंग बॉक्स, दिस इज द बाउंडिंग बॉक्स, जबकि हमारा बॉक्स यहाँ पे है, जबकि बॉक्स हमारा यहाँ पे है, ये दिखा रहा है क्योंकि ये ओरिजिनल जो था पहले वाला वो चीज दिखा रहा है। अगर मैं कर दे फ्लैट सेडेड तो सी दिस इज द फ्लैट सेडेड मोड, ठीक है। फ्लैट वायर सेडेड, दिस इज द फ्लैट वायर सेडेड। सो ये आपने जो भी चेंजेस करे थे उस हिसाब से ये यहाँ पे आपको दिखा देगा। खाली वायर फ्रेम में देखना है आप यहां से देख सकते हैं। एंड ये क्या है, वायर फ्रेम बाउंडिंग बॉक्स मींस वायर फ्रेम बाउंडिंग बॉक्स मतलब ये वाला चीज आपको दिखाएगा क्योंकि स्टार्टिंग में जो आपने क्रिएट करा था। सो यहां से अगर वायर फ्रेम में देखना है तो वायर फ्रेम, वायर फ्रेम अगर घोस्ट मोड में देखना है तो दिस इज द वायर फ्रेम घोस्ट मोड। एंड अगर आपको यहां से फ्लैट सेडेड देखना है या फ्लैट वायर सेडेड देखना है तो फ्लैट वायर सेडेड,
और अगर आपको सिर्फ फ्लैट शेडेड देखना है तो आप फ्लैट शेडेड में क्लिक कर सकते हैं। सो कुछ इस तरीके से आपको हुडनी में इस ऑब्जेक्ट को आप क्रिएट कर सकते हो। एंड ऑब्जेक्ट को एडिट कैसे करना है ये भी मैं बताऊंगा आपको धीरे धीरे करके। सो अभी हम लोग यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा इसको साइड कर लेता हूँ और आता हूँ दूसरे कोई ऑब्जेक्ट पे लाइक टोरस। सो हमने क्लिक करा और क्लिक करके आप यहाँ पे लाकर सीधा एंटर कर दीजिए तो ऑटोमेटिकली वो बीचों बीच ग्रिड पे आ जाएगा, और नहीं तो आप यहाँ पे अगर टोरस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे लाइक टोरस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे लाकर क्लिक करेंगे तो जहां पे क्लिक करोगे ये वहीं पे आएगा। और अभी अगर आप इसको ऐसे घुमा रहे हैं तो ये देखिए ऐसा घूम रहा है, लेकिन अगर बिना कुछ सेलेक्ट किए हुए जैसे हमने कुछ भी प्रेस नहीं किया कीबोर्ड पे और अगर आप मिडिल माउस बटन दबा के इसको करते हैं मींस यू आर और पैनिंग दिस ऑब्जेक्ट स्पेशली। तो ये देखो यहाँ पे हो गया और इसको अभी जमीन पे लाना है तो मैं इसको ऐसे जमीन पे ले आता हूँ। यस यहाँ पे आ गया, ठीक है ये अभी हमारा यहाँ पे जमीन पे आ गया है। ये अभी देखो अगर मैं इसको ऊपर रखता हूँ सी ये अभी वाई एक्सिस में कुछ ऐसा दिखा रहा है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो 1.5 ये ऊपर की ओर जा रहा है तो आप यहाँ पे जाकर आप कर दो -1.5। ये देखो नीचे चला गया तो अभी आप यहाँ पे करो लाइक -1 सी। जैसे आपने -1 किया ना तो ये यहाँ पे अभी आ गया। तो आप इस तरीके से वैल्यू पुट करके भी इसको एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है ये देखो। सो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको रख लिया है। अब इससे रिलेटेड भी बहुत सारी चीजें आएंगी अभी आएंगी आपको। जैसे अगर मान लो कि अभी मैंने इसको सिलेक्ट किया एंड सिलेक्ट करके अगर मैं इसको जैसे मैं यहां से पहले स्केप कर जाता हूं, इसको मैंने ऐसे सिलेक्ट किया हुआ है ओके। सो देखो जो सिलेक्टेड था ना हमारा जो सिलेक्टेड था वो सामने आ गया। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूं लाइक इसको मैंने सिलेक्ट किया एंड अगर मैं इसको कुछ ऐसे रखा हूं एंड इफ आई प्रेस जी देखो अभी कुछ नहीं आ रहा है यहाँ पे तो इसको हम सिलेक्ट करते हैं प्रेस करते हैं ऐसे ओ आई मीन दिस मोड। आपको बाहर निकलना होगा आपको कोई सिलेक्शन में नहीं रहना है। जी प्रेस कीजिए देखिए सामने आ जाएगा। अगर आपने इसको यहां से छोड़ दिया और लाइक यहाँ पे आ जाइए एंड अभी आपने इसको लाइक बॉक्स माई इसको सिलेक्ट किया हुआ है एंड इफ यू प्रेस जी ये सामने आ जाएगा ठीक है। सो जो भी चीज सिलेक्टेड रहेगा अगर जी मारोगे तो वो एकदम आपके फ्रंट में आ जाएगा। अभी हम इस पे आते हैं तो अभी यहां से मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ ऐसे इसको सिलेक्ट कर लिया मैंने तो अभी आप देखोगे कि ये वाला सिलेक्टेड है ठीक है। ये वाला जो हमारा ऑब्जेक्ट है सिलेक्टेड है। आप हाइड करना चाहते हो सो आप इसको हाइड भी कर सकते हो नहीं तो रख सकते हो। अब अगर इसकी कोई भी एडिटिंग करनी है तो उसके अंदर में आप जाके इस पे डबल क्लिक करेंगे मतलब इस पे नहीं इस पे जस्ट डबल क्लिक करेंगे आप एडिटेबल मोड में आ जाएंगे क्लियर। यहां से बैक करोगे तो आप अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ गए। इसको मूव वगैरह करना है तो आप यहाँ पे आपको मूव टूल मिलेगा इसका शॉर्टकट आप लिख सकते हो। इसका मूव टूल का शॉर्टकट है टी प्रेस करोगे आपका ये मूव आप इसको कर सकते हो। उसके बाद आता है रोटेट रोटेट का शॉर्टकट है आर सो आप इसको ऐसे आर भी कर सकते हो। और यहाँ पे स्केल का शॉर्टकट है ई तो आप इसको स्केलिंग भी कर सकते हो जिस तरीके से आप चाहो। बीच से करोगे एकदम इक्वल बड़ा होगा इधर से करोगे ऐसा बड़ा होगा जैसे मैक्स और माया में होता था ये सेम वैसे ही है कुछ अलग नहीं है। यहाँ पे अगर आप करोगे यहाँ पे आपने सेलेक्ट करा और इसको अगर आपने ऐसे सेलेक्ट करा हुआ है लाइक यहाँ पे हम आ जाते हैं और अगर आप यहाँ से लाइक इस पे हो और लाइक यहाँ पे ऐसे मूव में हो या फिर आपने इसको यहाँ से सेलेक्ट कर रखा है तो ये देखो अभी ये सेलेक्ट तो है सेलेक्ट द ज्योमेट्री बट यहाँ पे जैसे ही आप एंटर हिट करते हो लाइक इसको सिलेक्ट करके जैसे मैं यहाँ पे हूं अगर इसको मैंने सिलेक्ट किया और एंटर हिट करेंगे ना तो ये आपको गिज्मो मिलेगा जिसमें आपको तीनों ही फैसिलिटीज आपको इजिली मिल जाएंगी लाइक किस तरीके से उसको करना है ठीक है। सो कुछ ये थे जिससे आप यहाँ पे चीजें क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी चीज आपको क्रिएट करना हो लाइक प्लेन क्रिएट करना हो तो जस्ट क्लिक एंड हिट एंटर और ये आपका हो जाएगा यहाँ पे। अभी अगर आप इसको बड़ा छोटा करना चाहते हो तो वो सेम तरीका है आप यहाँ से इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं लाइक इसको तो पहले इधर रख लीजिए मैंने ऐसे रख लिया है और अब इसको यहाँ ये देख रहे हो तो ये देखो इस तरीके से रोटेट होगा यहाँ पे। और अगर मैं इसको आ जाता हूँ स्केल पे एंड देन वी कैन डू द स्केल ऑल्सो सी तो ये है आपका हुडनी में कि आप हुडनी में ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हो।
कैसे उसका इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि थोड़ा सा आपको जब आप नया नया उठने स्टार्ट करेंगे ना तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिक्कत आएगी, बट उसके बाद सही हो जाएगा। सो ये देखिए यहाँ पे सारे जो नोड्स हैं सबके सब नोड्स यहाँ पे हैं। अगर आप तीनों को इसे सिलेक्ट करते हैं इट मीन्स कि आपने तीनों को ही सिलेक्ट कर लिया है और तीनों अपने अपने एक्सिस पे बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ से आप जिसको सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे इजिली सिलेक्ट हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, एंड डबल क्लिक करके आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। सो गाइस उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि हुडी में हम ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। तो चलिए बने रहिए वीडियो में और इस पूरे सीरीज को देखिए, एक एक करके मैं धीरे धीरे आपको सब चीज बताऊंगा। तो इस वीडियो में रखता हूँ इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि VFX मेंटर पे आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलने वाली हैं और ऑलरेडी हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।